भाई अभी हम लोगों ने ना एकदम नीचे बीच ठीक है हाईवे के बीचों बीच गाड़ी लगा रखी है ठीक है, क्योंकि ये हाईवे अपने बाप का है ठीक है। मेरे पापा ने सन 1947 में मेरे दादा ने खरीदा था, इस वजह से हाईवे हमारा, इसलिए हमने रोड के बीच में गाड़ी लगा रखी है। तो गाइस अभी हम लोग अंदर आ गए ठीक है, बट नहा इस वजह से नहीं रहे क्योंकि अपने पास अंडरवियर भी नहीं है और कपड़े भी नहीं है। एक टी शर्ट लाए थे ठीक है, राइडिंग जैकेट खराब हो जाएगी ठीक है, और एक टी शर्ट लाया था जो मैं दुबिल्ला पहना है क्योंकि इसका भी कपड़ा बारिश में गीला हो गया था। सो हे गाइस, गुड इवनिंग ठीक है, और अभी यहाँ से ना एपिसोड पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। हरिद्वार का ये सेकंड एपिसोड है और अभी हम लोग खड़े हैं हर की पौड़ी पे, यही है ना पीछे, सॉरी पीछे है, बट यहाँ का नज़ारा दिखा देता आप लोगों को, कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। सभी लोग यहाँ पर नहा रहे हैं ये देखो, और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। हम लोग भी सोचे थे नहाने के लिए, देखो यहाँ पर कितना तेज बहाव है पानी का भाई, और लोग बिना डरे नहा रहे हैं ना, बिना डरे नहा रहे हैं भाई। बहाव बहुत तेज है पर क्या कर सकते हैं, और लोकेशन पीछे का देखो कितना ही ब्यूटीफुल आ रहा है ठीक है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग कुछ खाने पीने के लिए, क्या खाएं बिल्ले भाई? बहुत तगड़े ब्यूटीफुल जो मिल जाओ खा लेंगे, चलते कुछ खाते हैं ठीक है। और अगर मेरे पिछले वीडियो पे 10,000 व्यूज आता है तो बिल्ला होगा टकला, मेरे 5,000 भाई। अगर मैं अभी एक वीडियो अपलोड किया मैंने ठीक है, अगर उस पर 10,000 व्यूज आ गया होगा मैं देख लूंगा, तो मैं कल सुबह टकला हो जाऊंगा यहाँ पर ठीक है। तो भाई अभी खाने में आ गया है चावल ठीक है, दाल कढ़ी और सब्जी ठीक है। बिल्ले मुझे बैल दिखा दे, बिल्ले कह रहा खाते टाइम रिकॉर्डिंग। तो अभी जा रहे कुछ खाने, उसके बाद यहाँ से आएंगे डायरेक्ट आरती में, खा के फिर जा रहे क्योंकि भाई सुबह खाए थे, रास्ते में चाय पिए थे और डायरेक्ट यहाँ आ गए थे, तो भूख बहुत जोर लगी तो खा के ही जाएंगे आरती में ठीक है। कुल्चा कौन खाया था? एक कुल्चे में तू रह ली है जिंदगी रात भर, नहीं ना एक काम कर मत खा तू, मत खा भाई, मत खा भाई, मेरी रोटी गायब कर दिया ओए। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हर की पौड़ी पर ठीक है, तो थोड़ा हाथ और मुंह धो लेते हैं और फिर चलते हैं। नहाओगे नहीं सुबह में तो उठ नहीं पाएंगे, और भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, दिखा तो कितना रश है भाई, उधर देखो सामने बहुत भाई। चलो भी जय बोले भाई, तो अभी मुंह तो धो लिया ठीक है, अब चल रहे वापस क्योंकि हम लोग ना होटल से कम से कम 2 किलोमीटर आ गए। ये भी नहीं पता है हमारे होटल का नाम क्या है ना, होटल हमको पता है कहाँ, हम जुड़ते जुड़ते निकलेंगे भाई। अब हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होने वाला है, और रश देखो वहाँ पर यार, बहुत ज्यादा रश है यहाँ पर, वो देखो आरती हो गई पूछने दो। हाँ आरती हो गई, मेरे ख्याल से आरती हो गई, हम इतना ज्यादा रश में फंस गए थे कि आरती तक यहाँ पहुँच ही नहीं पाए, निकले थे हम लोग 7 बजे, पहुँचे यहाँ पर 8 बज गया, रश भी बहुत है, बहुत रश है इसलिए पहुँच नहीं पाए। The next day. So guys, good morning. ठीक है अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अभी तो हॉल पे हूँ, ये देखो यहाँ पर एक खिड़की है बालकनी में ठीक है, यहीं पर मैं हूँ, और भी लगे अभी वॉशरूम में दिखाता अपने रूम का कुछ हालत ठीक है। लास्ट वाले व्लॉग में तो हम लोग रात में गए थे, बट वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो था, रश था, इस वजह से व्लॉग तो बना नहीं पाए ठीक है। और यहीं पर अभी सोए थे हम लोग भाई, बिस्तर की हालत टाइट है और ऐसा कुछ है, और रात में हम लोगों ने इसको बाय किया था ठीक है, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मैं दिखा नहीं पाया था। बहुत बढ़िया टी शर्ट है, ये कुर्ता है वैसे, टी शर्ट नहीं है ठीक है, ये देखो बिल्ला भाई टी शर्ट नहीं लेकिन लॉन्डन चश्मा पहले लगा लिया भाई, मतलब टी शर्ट नहीं है शरीर पे लेकिन चश्मा लगा रहना चाहिए ठीक है। ये और रात में कुछ ये सब खाया था और बैग वगैरह लेके चल रहे हैं, ये देखो ऐसी एक अलमारी बनानी है हमें जिसमें राइडिंग जैकेट टंगी हो, हेलमेट दबा के भाई मजा आ जाएगा। अगर ऐसी एक ड्रीम बनानी है, 5-7 जैकेटें 8-10 हेलमेट, अलमारी की ड्रीम होती है। हाँ होती है भाई, ऐसे बनानी है कि भाई उसमें मतलब खजाना ही हो ठीक है। तो अभी चल रहे हम लोग हर की पौड़ी के पास में, चलते हैं गंगा स्नान करते हैं ठीक है, फिर निकलेंगे वहां से ना, करोगे नहीं क्या देखते हैं भाई, सही में देखते हैं भाई, बहुत ज्यादा मौसम ठंडा है, ठंड लग रही है ठीक है। तो चलते हैं अभी, फिर निकलेंगे यहाँ से ना, कहाँ जा रहे हैं वो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ जाएंगे, सरप्राइज है भी, ये सरप्राइज है एक बहुत तगड़ा वाला भाई। अभी यहाँ पर ना बहुत ज्यादा रश है देखो आप लोग ठीक है, सब लोग कावड़ लेके निकल रहे हैं, और अभी अपन ने ना ये बोतल लिया है ठीक है, हम लोग गंगा जल लेके चलेंगे घर में ठीक है।
लोग कावड़ लेके जा रहे हैं, बट अपन कावड़ तो नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है, बट गंगा जल तो लेके जाएंगे ना। और अभी हम लोगों को ना एक फ्रेंड के घर पे भी जाना है यहाँ से, तो उनके लिए भी प्रसाद और गंगा जल ले लेंगे। आ गए भाई, अभी हम लोग अंदर आ गए, ठीक है, बट नहा इस वजह से नहीं रहे क्योंकि अपने पास अंडरवियर भी नहीं है और कपड़े भी नहीं है। एक टी शर्ट लाए थे, ठीक है, राइडिंग जैकेट खराब हो जाएगी, ठीक है, और एक टी शर्ट लाया था जो मैं वो गीला पहना है क्योंकि इसका भी कपड़ा बारिश में गीला हो गया था, ठीक है, तो अभी चल रहे इस वजह से नहा नहीं रहे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ना गंगा जल भर लिया है जो कि हम लेके चल रहे हैं। और हम लोग जा कर रहे हैं, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर, ठीक है, जो कि हमारे साथ पबजी खेलता है, गेम खेलता है, ठीक है, तो उससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि भाई किसी गेमिंग पर्सन से जो हमारा फ्रेंड बनता रहा उससे हम मीटअप करें। तो अभी हम लोग उसी के घर निकलेंगे 10 बजे राइट, ठीक है, हाँ, यहाँ से 150 किलोमीटर है, और 1 डे स्टे करके ना देन फिर अगले नेक्स्ट डे हम लोग कहीं और चल सकते हैं या फिर घर चल सकते हैं, उसका कुछ पता नहीं है। तो ये चेक करो भाई, यहाँ पे पड़े अपने हेलमेट, ठीक है, बैग, ठीक है, और ये देखो विला राइडर रेडी। गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक है, तो सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और मैंने जो आप लोगों को अपना सबसे मेन ड्रीम बताया था कि अपनी बाइक को, ठीक है, गंगा जी में स्नान करवाने का, ठीक है, तो हमने गंगा जल यहाँ से ले लिया जो कि हमने खुद भरा है ना, हमने खुद भरा इसको, ठीक है, तो अभी चलते इस जल से ना अपनी बाइक को धुलते थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि नहर में तो डायरेक्ट पलटी मार नहीं देंगे दिक्कत हो जाएगी, तो चलते इससे थोड़ा सा धुलेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आईएनडी फैमिली वाइटी के घर पे, जो कि यूट्यूबर है जिनका नाम है आयुष भाई, ठीक है, तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते अपनी बाइक और चेकआउट करते हैं रूम से। और रूम की हालत देखो यार, मतलब पूरी खतरनाक है, ये चादर यहाँ फेंक दी भाई, तुम्हारा काम है मेरा काम, छोड़ो जाने दो, तो चलते निकलते हैं जल्दी से। तो गाइस अभी अपन ना अपनी बाइक को धोएंगे गंगा जल से, ठीक है, आराम है पूरा पूरा मत डालना, सड़क देना बस, ठीक है, पूरा डाल देंगे धोएंगे, ठीक है, चल जाओ तो भाई। हाँ भाई, भाई हीट बहुत मार रही है, ठीक है, अपना हो गया ड्रिंक, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोले यहाँ से पहला होटल से भी आके से भी आएगा। अभी हम लोग जाएंगे किसी के, उसके बाद हम लोग कहीं और का प्लान, ठीक है, तो चलते हैं ना, चलो आगे निकलते हैं, और क्या है। सो गाइस फाइनली अभी तुम्हारा भाई हरिद्वार से निकल चुका है, ठीक है, और अपनी बाइक को गंगा स्नान करवा के, तुम्हारा भाई खुद तो नहीं गया बट बाइक इज इम्पोर्टेंट भाई, राइडर की बाइक इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, तो उसको गंगा स्नान करा के अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से डायरेक्ट अपने फ्रेंड के घर पे, ठीक है, तो अभी यहाँ से उसका लोकेशन दिखा रहा है हम लोगों को 135 किलोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स दिखा रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है और ट्रैफिक भी बहुत मिलने वाला है। अभी तो हम लोग काफ़ी आके स्टार्ट किया व्लॉग बनाना, ए गूगल बाबा, googlebaba.com, ये हमको आप कहाँ ले आए जंगलों में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी, जैसे कि मैंने आप लोग बताया था, हम लोग जहाँ जा रहे थे वो रास्ते में ना पीछे साइड में वहाँ पर एक हाईवे है, वहाँ पर तो भाई कांवड़ियों की बहुत ज़्यादा रश है, इस वजह से गूगल मैप ने ये वाला एक रास्ता दिखाया है जो कि भीड़ कम है और एकदम परफेक्ट है, बट ये जंगलों का रास्ता भाई, जंगल इंजॉय करो, कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है, तो अभी यहीं से हम लोग चल रहे हैं भाई। अभी हम लोगों ने ना एकदम नीचे बीच, ठीक है, हाईवे के बीचों बीच गाड़ी लगा रखी है, ठीक है, क्योंकि ये हाईवे अपने बाप का है, ठीक है, मेरे पापा ने 1947 में मेरे दादा ने खरीदा था, इस वजह से हाईवे हमारा, इसलिए हमने रोड के बीच में गाड़ी लगा रखी है। और सच्चाई तो यह है कि भाई ये फ्लाईओवर बंद पड़ा है, ठीक है, पूरा पूरा, और हम लोगों को ये शॉर्टकट दिखा, इस वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, और अभी हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग रील शूट किया, आप लोगों को तो देखने को मिल गई होगी, ठीक है, और ये वाला ब्लॉग देख रहे हो तो एक लाइक कर दो, ठीक है, और अब निकलने का वक्त आ गया क्योंकि भाई बोला नहीं जा रहा, और प्यास बहुत तेज लग रही है, और इतनी बाइकें जा रही हैं यहाँ से ना, बट ये बंद है फ्लाईओवर, सिर्फ बाइकों के लिए खुला है, कार वगैरह, तो चलते निकलते हैं। गाइस अभी हम लोग ना थोड़ा सा रुक गए यहाँ पर क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है, पीछे चेक करो बहुत तेज बारिश होने लगी है, और इसको देखो कितनी भूख लगी थी आते ही चिप्स लेके दबाना शुरू, और अभी हम लोगों ने चाय ले ली है ना, और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे ही बस यहाँ से क्योंकि बारिश होने लगी है, इसलिए रुक गए थे। देखो बाइक पूरी भीग गई, बारिश कितनी बढ़िया हो रही है, और यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर दूर है अपने भाई का घर, तो उनके पास चलेंगे और आज वहीं पर स्टे करेंगे पूरा, ठीक है, तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले इसको चाय वगैरह पी लेते हैं भाई, कैमरा वगैरह गीला होने से बच गया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोगों को ना बताओ तो मैं ही हूँ आईएनडी फैमिली आईटी, ठीक है, ये रहा मेरा सेटअप, मेरी गेमिंग चेयर, ये तो आप लोग इसको जानते ही हो।